Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी काफी अच्छे से चल रही होगी. So, आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और बहुत जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है. UPPSC की तरफ से आपको असिस्टेंट टाउन प्लानर की वैकेंसी 2023 के लिए. ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. तो अगर आप भी इस जॉब के रिगार्डिंग अगर इंटरेस्टेड हो तो आज की वीडियो में मैं कम्प्लीटली डिटेल वे में बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, साथ ही साथ एग्जाम की पैटर्न, इनिशियल इन हैंड सैलरी, सारा कुछ बताने वाली हूँ. तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. जैसा कि आपको पहले भी बताया कि UPPSC असिस्टेंट टाउन प्लानर की वैकेंसी आई है. टोटल सीट्स यहाँ पे क्या रखा गया है फ्रेंड्स, टोटल आपको 24 सीट्स पे ये वैकेंसी आई है. कैटेगरी वाइज चलिए पहले देख लेते हैं. जनरल के लिए 11 सीट, SC के लिए 5 सीट, OBC के लिए 6 सीट, EWS के लिए 2 सीट्स, एक सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है, फीमेल्स के लिए 4 सीट रखा गया है. रही बात फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका ये फॉर्म ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14th अगस्त 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 14 सितंबर 2023 रखा गया है. आइए जान लेते हैं फॉर्म अप्लाई करने में किस कैटेगरी का क्या फी लगने वाला है. जनरल OBC EWS से 125 रुपीज लिया जाएगा, SC ST से 65 रुपीज लिया जाएगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से 25 रुपीज फॉर्म की फी रखी गई है. एंड हाँ फ्रेंड्स, अवॉइड माई वॉइस क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो गया जिसकी वजह से मेरी वॉइस ऐसी गंदी आ रही है. तो आप लोग अपना जो ये है उस पर फोकस करो, थोड़ा सा वॉइस को आप लोग मैनेज कर लेना. तो चलो मैं बता देती हूँ एज लिमिट क्या है यहाँ पे. योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st जुलाई 2023, मतलब कि आपका जो 1st जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए. साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाता है. SC ST OBC मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ UP एंड आपको UP के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा. फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ UP 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा. एक सर्विस मैन ऑफ UP इनको प्लस 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है. सो ये तो रही ओवरऑल बातें एज से रिलेटेड. अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है. फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है ना बताया गया है कि या तो आपको ग्रेजुएट या फिर PG होना चाहिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, और अगर आपके पास मेंबरशिप है इनमें से किसी एक जो इंस्टीट्यूट है, चलो मैं बता देती हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स लंदन, और अगर इसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है तो आप 110% इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. तो अब बता देती हूँ आपको कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है. फ्रेंड्स सिलेक्शन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है. UPPSC की है तो जनरली जैसे कि PCS के लिए होता है प्री मेंस एंड आपका होता है इंटरव्यू. तो फर्स्ट आपका रिटेन एग्जाम होता है, देन होता है आपका इंटरव्यू. तो आइए एग्जाम की पैटर्न आपको समझा देती हूँ कि प्री का क्या रहेगा, मेंस का क्या रहेगा. सबसे पहले फ्रेंड्स प्री का एग्जाम पैटर्न देखें तो 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर्स में आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है. इसमें क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि 150 क्वेश्चन है तो किन टॉपिक से रिलेटेड रहता है. नगर एवं ग्राम नियोजन के 100 क्वेश्चंस होते हैं, सामान्य अध्ययन मतलब कि जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन, और जो टॉपिक है ना टाउन प्लानिंग उससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चंस रहते हैं. ये क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस का पेपर देना होता है. मेंस का पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है. सेक्शन 1 में फ्रेंड्स आपका 2 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स के लिए, टाइम आपका 2 आवर्स रखा जाता है. सामान्य हिंदी का आपको रहता है 50 मार्क्स का और आपको निबंध का रहता है 50 मार्क्स का. तो टोटल मिला के 2 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहेगा
और सेक्शन टू देख लेते हैं। सेक्शन टू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ना नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लेना। मैं मोटा मोटी तौर पे आपको बता देती हूँ, 8 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए एंड टाइम आपका 3 आवर्स का रखा गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि एग्जाम पैटर्न आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो इसमें जब आप इसके मेरिट लिस्ट को आप पार कर लेते हो, लिस्ट में नाम आता है, इनिशियल आपको इनहैंड सैलरी जानना जरूरी होता है। चलो मैं आपको बता देती हूँ इनहैंड सैलरी क्या रखा गया है। यहाँ पे 15,600 टू 39,100 की सैलरी ये आपको नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो फ्रेंड्स, ये तो नोटिफिकेशन वाली सैलरी हो गई, एक्चुअली ये ग्रुप बी का पोस्ट है। तो आपका सैलरी ना फर्स्ट ज्वाइनिंग से ही आपका 45,000 टू 50,000 के बीच में ही रहने वाला है। तो अगर आपके पास इसमें से कोई एक भी डिग्री है आपके पास, आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये सारी डिग्रीज देखने को मिलती है। सीट्स आई नो कम आए हैं क्योंकि डिग्री वाले भी कम नजर आएंगे। तो अगर आप इलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताया यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत कोई फेस हो, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछो, मैं वहां पे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज और भी ज्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम की, फेसबुक पेज की, टेलीग्राम की लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका नोटिफिकेशन भी पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां फॉलो करो। और अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो भर भर के लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव जॉब की वीडियो को आप शेयर कर देना। मिलूंगी आपसे फिर से किसी जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।